देखिए मैं अभी हाउसिंग कॉलोनी के जो कम्युनिटी हॉल जहाँ पे पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इलेक्शन का है, इसी गेट से अंदर घुसता है और गेट के सामने ही लिख रखा है ये तरह तरह की चीजें, बीजेपी स्कैम 2024 लोडिंग। तो इस तरह की चुनाव यहाँ पे चल रहा है। और दूसरा जो है ये स्कूल का दीवार है और स्कूल के दीवार पे लिखिए, थोड़ा आप लोग हटिए, वो लिखिए बीजेपी इज अ हिंदू पार्टी। ये देखिए ये पोलिंग स्टेशन पे लिख रखा है और ये एडमिनिस्ट्रेशन का लापरवाही देखिए यहाँ पे। अब इसको इस वीडियो को वायरल कीजिए, कहाँ सोचे बैठे आप लोग कर रही है। देखो ये आपका पोलिंग स्टेशन है और ये यहाँ पे प्रचार हो रहा है, देखो वो आपका पोलिंग स्टेशन है, दूसरा ये आपका प्रचार हो रहा है। देखो अभी क्या, अभी तक का जो एंटी वोट हुआ उसका क्या करना है, अभी तक जो नेगेटिव प्रचार हुआ देखो, नोटिस में जा रहा है यार आपका पोलिंग पार्टी का, शाम से इसको सैनिटाइज कर रहे हैं। नहीं नहीं ये तो रिपोल होना पड़ेगा भाई साहब, मजिस्ट्रेट साहब मेरा हमारे पार्टी की ओर से निवेदन है, ये दोनों पोलिंग स्टेशन पे रिपोल होना पड़ेगा, पूरा सैनिटाइज करके रिपोल होना पड़ेगा। हम तो ये वाला तो वायलेशन है, नहीं देखो इसको तुरंत रुकिए, नहीं इसको नहीं, ये पोलिंग जो चल रहा है इसको रोकिए, रिपोल करा दीजिए इसको, ऐसे थोड़ी होता है। देखो नहीं इसको रिपोल करना पड़ेगा, इसको रिपोल करा दीजिए वचर साहब। सबसे पहले स्टार्ट इन्होंने किया, सबसे पहले स्टार्ट इन्होंने किया, हर जगह आपकी बात से हमने नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। देखो ये किसने लिखा, इंक्वायरी लीजिए, ये किसने किया, पोलिंग बंद करो। देखिए यहाँ पे आप खुद आए हैं मीडिया वाले, अब अपने आंखों से देख सकता है, आपके ठीक पीछे चार कदम जाके पोलिंग स्टेशन का जो गेट है हाउसिंग कॉलोनी का, और उसी गेट के चार मीटर के दूर जो है बीजेपी के खिलाफ लिख रखा है इन्होंने। अच्छा यहाँ के सामने अगर आप कैमरा करेंगे वहाँ दीवार पे लिखा है, अभी मजिस्ट्रेट आके उसको मिटा दिया है। तो ये देखो पोलिंग स्टेशन के 500 मीटर के दायरे में कुछ नहीं लिख सकते, कुछ नहीं पोस्टर लगा सकते, पार्टी चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो जो भी हो, कोई पटका लगा के नहीं आ सकते। और यहाँ पे एक पार्टी के खिलाफ पूरा प्रचार लिखा है और ये एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके लापरवाही कर रहा है। और सुबह से अभी जो है पौने दो बजे तक यहाँ पे इलेक्शन चला, हम तो मानेंगे ना एक तरफा चला, अगर ये ओपोजिशन पार्टी ने लिखा है तो गुंडागर्दी है और इसमें इलेक्शन अथॉरिटी का जो है और से लापरवाही है। तो इसलिए हमारा मांग है इसको इंक्वायरी करके जिसने भी लिखा वो कोड ऑफ कंडक्ट के रूल के तहत उसको सजा देना होगा और साथ ही साथ ये दो पोलिंग स्टेशन पर रिपोल होना पड़ेगा। जी सर, पर इसका ये कोई प्रूफ नहीं, वो तो हम ये नहीं कह रहे ना कि ये पक्का ओपोजिशन ने लिखा, हमने कहा यदि ओपोजिशन ने लिखा है तो गुंडागर्दी। अब जिसने लिखा है, क्यों लिखा है, कब लिखा है, वो सारा तो यहाँ के मैजिस्ट्रेट है, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के इलेक्शन अथॉरिटी, उसी ने छानबीन करना है। अब अड़ोस पड़ोस में सीसीटीवी कैमरा लगे हो तो वो देखना है, वो देखने के बाद जो है उसमें उसको अलग से कार्रवाई करना होगा और साथ ही साथ अभी तक जो गलत तरीके से यहाँ पे वोटिंग हुआ उसको रिपोल होना पड़ेगा। सर गलत तरीका का क्या मतलब, गलत तरीका मतलब ये है पोलिंग स्टेशन के दरवाजे के अंदर जाते समय बाहर जाते समय आपकी आंखों के सामने किसी पार्टी को गली देख रहा है, उसका मतलब यही कि दूसरी पार्टी के फेवर जा रहे, तो ये गलत है क्योंकि पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द में इस तरह के चीजें नहीं होना होता है और यहाँ ओपनली हो रहा है तो गलत नहीं, तो सही कहाँ से है। तो अब रिपोलिंग के डिमांड करते हैं, हम रिपोलिंग के डिमांड कर रहे हैं ये दो पोलिंग स्टेशन पे। जी बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये बीजेपी का एक इनका फॉर्मूला है। इनफैक्ट पोल को कैसे रोकना है, डिरेल करना है, स्लो करना है, उनको मालूम पड़ चुका है। अभी लद्दाख में, ले और कारगिल दोनों में 50% प्लस पोलिंग हो चुका है और पूरा जो लोगों ने मन बना लिया, मैं पहले दिन से मैं कहता आ रहा हूँ, लोगों ने मन बना लिया है कि वो बीजेपी के खिलाफ इनके खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। तो इनसे ये हजम नहीं हो रहा है। दीवारों पे जो भी एंटी गवर्नमेंट या एंटी बीजेपी जो नारे यहाँ पर लिखा, हमने तो नहीं लिखा ना, या तो आप मुझे सबूत दिखाएं कि कांग्रेस के वर्कर ने लिखा, कांग्रेस के लीडर ने लिखा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लिखा, ये तो इनके पास दिखाने के लिए कुछ है भी नहीं। और इसको बेसिस करके ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मतदान को रोकना चाहिए, कि क्यों रोकेंगे हम, बढ़िया चल रहा है फर्स्ट क्लास। मैंने अंदर पोलिंग एजेंट से बात की,
और यहाँ पर पोलिंग ऑफिसर से बात की, सब कुछ ठीक है, कोई इशू नहीं है, मिशन सब ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहे, लोग आ रहे हैं अपना वोट दे रहे हैं। सबसे पहले ले में सरकारी दीवारों पे जो दीवारों को खराब करना किसने स्टार्ट किया? बीजेपी ने शुरू किया यहाँ पर, आपकी बार मोदी पर, आपके बार मोदी सरकार, आपके बार 400 बार, अभी भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। हमने डीसी साहब से शिकायत करके पिछले 15-20 दिन पहले उन सबको हमने मिटाने की कोशिश की, कई जगह अभी भी वो रह गया है। आप अगर चौलाम सर में जाएं, लेके इर्द गिर्द में जाएं, हर इलेक्ट्रिक पोल पे, इतने सारे सरकारी इलेक्ट्रिक पोल पे बीजेपी ने अपना पोस्टर चिपकाया, आपको एक भी कांग्रेस का मुझे लगता है नहीं मिलेगा आपको देखने को। अगर आप चाहें तो मैं आपको अभी तुरंत आपको भेजा सकता हूं, आप खुद आप देखें अपनी आंखों से। 100 से ज्यादा सरकारी ट्रांसमिशन पोल पे इन्होंने अपना पोस्टर चिपकाया। क्यों चिपकाया उन्होंने, क्यों चिपकाया, क्या ये क्या कानून के खिलाफ नहीं कर रहे ये लोग? अभी यहाँ पर कह रहे दीवार पे कुछ ग्रैफिटी लिखा हुआ है, सरकार के अगेंस्ट लिखा हुआ है, आरएसएस के खिलाफ लिखा हुआ है। हमने तो नहीं लिखा ना ये, क्या ये ग्राउंड बनता है कि एक इलेक्शन को यहाँ पर जो इतना बढ़िया चल रहा है उसको रोकने का ग्राउंड बनता? नहीं बनता ये। मैंने अभी ऑब्जर्वर से रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पर अच्छी तरह से चल रहा है, लोग आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, ये इसी तरह चलने देना चाहिए। रीपोलिंग की ये डिमांड कर रहे हैं सर। कैसे रीपोलिंग होगा मैडम, मुझे बताएं ना, क्या हमने पोलिंग स्टेशन के अंदर क्या कोई लड़ाई हुआ, कोई झगड़ा हुआ, कोई मशीन को तोड़ा गया, कोई किसी जो अंदर जो पोलिंग पे जो ड्यूटी पे जो हमारे कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके साथ कोई मतलब मिसबिहेव किया गया किसी ने? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ ना, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, अंदर तो सब पीसफुल है। ये लोग अननेसेसरी यहाँ पर कार्यकर्ताओं को, बीजेपी ने अपने लोगों को खड़ा करके हमारे खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अननेसेसरी इशू खड़ा कर रहे हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं है, जिसमें कोई वजूद नहीं है। बेस्ट एब्सोल्युटली बेस्ट, ये हर जगह ये लोग यही करते, बात पोलिंग को रुकाओ, यहाँ चिल्लाओ, लोग थोड़ा डरेंगे, पीछे जाएंगे, थोड़ा रुक जाएगा, स्लो होगा। तो ये इनका एक हटकंडा है, ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि लोग इनके खिलाफ वोट कर रहे हैं, लोग वोट कर रहे हैं इस बार। सर इनका आपने ये भी इल्जाम है कि आपके कांग्रेस के लोग बैचेस और झंडे जो है वो लगा के अंदर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अभी तो मैं अभी उन्होंने चलो अभी ये तो बाहर है, पब्लिक एरिया ना, अभी मैंने मफलर पहना था बेशक, बाहर मैंने अंदर तो नहीं पहना ना, बाहर पहना था मैंने, फिर भी मैंने उतार दिया, अंदर तो मैं पहन के नहीं गया ना मैं। कोई भी बैचेस लेके कहीं भी नहीं जा रहा है, आप मुझे देखें कहाँ हम बैचेस लेके कहाँ जा रहे हैं, कहीं भी मफलर लगा के कांग्रेस का हाथ लगा के सिंबल लगा के, ना तो हमारा पोलिंग एजेंट अंदर बैठा हुआ है, ना हमारा इलेक्शन एजेंट कहीं घूम रहा है, ना कैंडिडेट इस तरह से। हाँ बाहर थोड़ा बहुत हम लगा रहे हैं, अंदर तो नहीं कर रहा ना, कहाँ कर रहे हम, कहीं नहीं कर रहे हम, कहाँ कर रहे, कहीं भी नहीं कर रहे। ये अननेसेसरी इशू खड़ा कर रहे हैं।